चैप्टर नंबर नेक्स्ट दैट इज रेशियो एनालिसिस, अ वेरी इजी चैप्टर। रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सबसे पहले पहले आपको ध्यान रखना है टोटल 12 फॉर्मूलास हैं। पहले फॉर्मूलास लर्न करनी है, विदाउट फॉर्मूला लर्न किए हुए एक भी सम सॉल्व नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला लर्न किए बिना कुछ होगा भी नहीं। 12 फॉर्मूलास हैं और उस 12 फॉर्मूला के अंदर जो चीजें यूज होती हैं उस वो अगर एग्जाम में नहीं दी हो तो उसको ढूंढने के भी 10 या 12 फॉर्मूला, मतलब टोटल आपको 20 से 25 फॉर्मूलास लर्न करनी है। सो डोंट वरी, घबराओ मत, कोई नया चैप्टर नहीं है, सालों से है, बच्चे करते आए हैं, और अगर सही कहूँ तो अकाउंट का इजीएस्ट चैप्टर है। फॉर्मूला को लर्न किए बिना कोई भी सम नहीं करना है। कई बच्चे मानते हैं कि फॉर्मूला हम बाद में लर्न कर लेंगे, अब देख देख के सम कर लेते हैं फॉर्मूला देख के। मत करना ऐसा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि ये हैबिट आपको बहुत इस चैप्टर को सीखने ही नहीं देगी। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन आपकी फॉर्मूला कभी लर्न नहीं होगी। तो हर लेक्चर में मैं आपको तीन चार फॉर्मूला सिखाऊंगा, उसके सम्स करूंगा। सबसे पहले पहले आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और सबसे पहले पहले रेशियो है क्या, रेशियो एनालिसिस क्या है। रेशियो इज अ, व्हाट इज रेशियो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की फिगर्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट एंड अदर स्टेटमेंट, उसमें जो भी फिगर्स हैं उन फिगर्स का रिलेशन एनालिसिस होता है और रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये रिलेशन शो करता है कि हमारी फर्म जो है या हमारी कंपनी जो है कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करती है सेल्स के ऊपर। व्हाट इज द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, मतलब सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर को कंपेयर करेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। ऐसे हर एक रेशियो के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं आपको थियरी में समझाऊंगा और वो एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर की थियरी ऐसी ही है, व्हाट इज रेशियो एनालिसिस या व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सब डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको भी बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो शोज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो इसकी फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। थोड़ा ध्यान से रखना क्योंकि आधे से ज्यादा फॉर्मूला आपको लिखते समय लर्न कर देनी है, बात के लिए हमको वेट करना नहीं है। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। उसके बाद है नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसकी फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट अलग अलग होते हैं, नेट प्रॉफिट होता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी होता है, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी होता है, इसलिए नेट प्रॉफिट बहुत बार आएगा। तो आप देखना मैं कौन सा नेट प्रॉफिट यूज करने के लिए बोल रहा हूं, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट किसका, जो हमारे डेब्ट होते हैं, जैसे हमारा लोन, हमने कोई लोन लिया है तो लोन का इंटरेस्ट पे करने के बाद हमने डिबेंचर इशू किए हैं, आपको मालूम है डिबेंचर एक तरह की लोन है, तो डिबेंचर इशू करने के किए हैं तो उसका इंटरेस्ट पे करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो, तो और टैक्स पे करने के बाद इंटरेस्ट एंड टैक्स, अंडरस्टूड। तो एक हमने आज डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, एक डिस्कस करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, और डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो जिसकी फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल मतलब COS अपॉन सेल्स इनटू 100।
ऑपरेटिंग रेशो इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन सेल इनटू 100। और चौथी फॉर्मूला जो आज डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसकी भी एक फॉर्मूला है लेकिन वो फॉर्मूला मैं आपको लर्न नहीं करवाऊंगा क्योंकि हम एक इजी फॉर्मूला लर्न करेंगे। इसकी ये फॉर्मूला लर्न कर दो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब ये जो ऑपरेटिंग रेशियो तुम ढूंढ लो उसको 100 में से माइनस करो। मतलब आपको एग्जाम में ऑपरेटिंग रेशियो पूछेगा लेकिन नहीं पूछता और आपको सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो फाइंड तो करना ही पड़ेगा बिकॉज फॉर्मूला क्या है 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। मालूम पड़ गया ये चार फॉर्मूलास आपको आज डिस्कस करनी है। तो एक बार फिर से देख लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ पे सेल्स मतलब क्या, सेल्स मतलब टोटल सेल्स, कैश सेल, क्रेडिट सेल, कभी कभी सेल्स रिटर्न भी दिया होता है। क्या दिया होता है तो उसको माइनस कर देने। कई टीचर्स याद करवाते हैं कि यहाँ पे याद करो नेट सेल्स, पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सेल्स मतलब क्या, जितना हमारा सेल हुआ, अगर सम में रिटर्न दिया है तो माइनस तो करना ही पड़ेगा। तो सेल्स मतलब टोटल सेल, टोटल नेट सेल, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, और अगर सेल्स रिटर्न हो तो उसको माइनस कर। नेट प्रॉफिट रेशियो की फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन सेल्स, ऑपरेटिंग रेशियो की फॉर्मूला ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन सेल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये चार फॉर्मूला, ये चैप्टर कैसा है पता है, चैप्टर ऐसा है कुछ ड्रॉ नहीं करना है, ये वर्किंग की तरह सम करना है बस। सब वैल्यूज दी होगी, फॉर्मूला लिखनी है, वैल्यू पुट अप करनी है और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि आप फाइंड कर रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपको फॉर्मूला तो मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, लेकिन सब में ग्रॉस प्रॉफिट ही नहीं दिया हो, वो ढूंढना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट से ढूंढ रहे हो लेकिन सब में नेट प्रॉफिट ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग रेशियो ढूंढ रहे हो तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं दिए होंगे या कभी कभी ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दिया होगा, तो अब वो कैसे ढूंढने हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि 12 फॉर्मूला है जिसमें चार ये हो गई, 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और, लेकिन एडिशनल फॉर्मूला जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। अब देखो लर्न करने के साथ एक कंसेप्ट, आप 12th में पहुंचे आपके से कोई बताएगा प्रॉफिट हमें कैसे मालूम पड़ता है, हाउ टू फाइंड प्रॉफिट। अपनी सेल में से कॉस्ट माइनस करो, मतलब मैं कह सकता हूं कॉस्ट और प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ये आप आज पहली बार सीख रहे हो, आप वैसे नॉर्मली क्या बोलते हो कॉस्ट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, और कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेल। अब ये चीज समझो, ये जो तीन चीजें हैं ये तीन चीजों का अपने आप में कनेक्शन, आपको कोई भी दो चीजें दी हो तो तीसरी ढूंढने के लिए आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। पहले माइंड डाल दो कि कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, सेल्स। मतलब अगर कल ये सेल्स ही ना दिया हो तो आप बोलोगे सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, सपोज अभी ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो तो दिमाग लगाओ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो सेल में से कॉस्ट माइनस करोगे ना, सेल की फिगर बड़ी होती है ना जिसमें प्रॉफिट ऐड होता है, तो सेल में से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल। अब मैं COS लिखूंगा, मालूम पड़ा। और अगर COS नहीं दिया है, हाउ टू फाइंड कॉस्ट, तो सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, मालूम पड़ गया। yes. ये तीन चीजें अपने आप में कनेक्टेड है। yes. जो अब तक याद हो गई होगी। yes. अब एक और बात, इन तीन में से दो चीजें नहीं दी हो तो फिर ये फॉर्मूला का यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कॉस्ट ऑफ सेल की एक और फॉर्मूला याद करो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल याद करो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एंड एक्सपेंस माइनस तो ये फॉर्म तब यूज करने की जब ऊपर की फॉर्मूला यूज करना पॉसिबल ना हो। अब सवाल ये आता है कि सर ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस क्या ये डायरेक्ट लिखा होगा? तो नहीं, आप ट्वेल्थ में हो। परचेस रिलेटेड एक्सपेंस वो होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। आप फाइनल अकाउंट करते हो तो फाइनल अकाउंट में जो किसमें आते हैं? ट्रेडिंग में। तो नोट याद करो, परचेज एक्सपेंस इक्वल टू वेजेस प्लस ऑक्ट्रॉय। अब लिस्ट नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में लिख दूंगा इनशॉर्टली, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंस। जो एक्सपेंस किसमें होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, वो होते हैं परचेज एक्सपेंस। मालूम पड़ा बेटा? yes. तो ऊपर देखो, अगर वापिस अब नीचे देखने की ट्राई मत करो, पहले से ट्राई करो। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स नहीं दिया है तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम डिस्कस करेंगे, ये सेल का कर लिया। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ सेल के लिए क्या करोगे? पहले सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, पहले तो यही आनी चाहिए दिमाग में, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है या सेल भी नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक और चीज सिखाऊंगा जो सिर्फ एक सम में है, पता है ये ओपनिंग स्टॉक परचेस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, इन तीन फिगर को एक वैल्यू बोलते हैं। एक ऐसी वैल्यू है जो ओपनिंग स्टॉक परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है, देखो उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। याद करो क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ, मतलब अगर मैं तुम्हें सम में कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दे दूं तो आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल मत बोलना, क्योंकि मैंने क्या क्या दिखा है? देखो यहाँ पर नजर डालो, मैंने क्या बताया? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम तो क्या हुआ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जबकि कॉस्ट ऑफ सेल में तो एक्सपेंस भी होते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दूं तो उसमें तुम खाली क्या ऐड कर दो? परचेस एक्सपेंस सिर्फ ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे एक बार और, एक और फॉर्मूला इसकी, कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम प्लस परचेस रिलेटेड एक्सपेंस। सबको मालूम पड़ गया बेटा? ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकता है आपको एग्जाम में ऑपरेटिंग एक्सपेंस डायरेक्ट दिए हो, पर 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ओके, प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आपको मालूम है एक्सपेंस तो बहुत सारे होते हैं। एक्सपेंस तो परचेस रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, एडमिन एक्सपेंस होते हैं, सेल्स एक्सपेंस होते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं, प्रोडक्शन एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस के टाइप हैं। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और प्लस डेप्रिसिएशन। प्लस क्या? डेप्रिसिएशन। सही बताऊं तो मुझे वैसे डेप्रिसिएशन बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन खुद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, लेकिन फिर अलग से लर्न कर लो, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली अलग दिया होता है। तो ये हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल टू एडमिन एक्सपेंस प्लस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कभी कभी आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया होगा, एक भी टाइप का एक्सपेंस नहीं होगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी नहीं होगा, तो क्या उसका मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस जीरो? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सिवा बिजनेस चल कैसे सकता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही जिस बिजनेस में ना हो तो बिजनेस चलता कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं। दूसरा ऑप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट। थोड़ा सोचो, आपको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, पीएनएल में आता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमेशा, नेट प्रॉफिट हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट से कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि पीएनएल में बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, होते हैं बहुत सारे एक्सपेंस, तो जो डिफरेंस होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस क्या होगा?
ऑल एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नहीं क्योंकि उसमें तो फाइनेंशियल एक्सपेंस भी होते हैं, तो आप इसमें से नेट प्रॉफिट माइनस करोगे आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। मैंने पहले पहले बोल दिया जहां जहां नेट प्रॉफिट लिखूंगा वहां वहां कुछ ना कुछ बताऊंगा, वो ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट होते हैं तीन, सुनो तीन, एक होता है आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स, एक होता है बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, और एक होता है आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। मालूम पड़ गया, तो वो नेट प्रॉफिट हमको माइनस करना, आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, क्लियर। तो ऐसे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको मिलेगा। अंडरस्टूड बेटा, क्लियर? हाँ, अब सबका सब आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का रिजल्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल आ गया आपको, जीपी ढूंढना आपको आ गया, एनपी अगर नहीं दिया हो तो वो मैं सब में डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसकी कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है उसकी, वो आपको सब में आइडिया आ जाएगा अगर नहीं दिया तो। बेटा सबसे पहले पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करनी है और उसके बाद ही आगे सम शुरू करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 मिनट्स वेट करो, इसको लर्न करो, उसके बाद सम शुरू करते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूलास जो मैंने सब लिखवा दी, अब आपने वो सब फॉर्मूलास लिख के लर्न कर दी होगी, तो अब हम सम किस तरह सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। अब टेक्स्ट बुक में सम नंबर 4 देखो, और 4 के अंदर थर्ड नंबर सम देखो। फिर 4 नंबर सम में करना क्या है, पहले लिखा हुआ है डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ढूंढना है। तो जो रेशियो ढूंढना हो ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले तो उसकी फॉर्मूला लिख दो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। क्योंकि पहले फॉर्मूला लिख दो तो आपको दिमाग में आए कि हमें किस किस चीज की जरूरत है। अब सम को रीड करो कि जिस फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है क्या वो अवेलेबल है। देखो सेल्स तो अवेलेबल है, दिख गया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है और परचेज एक्सपेंस है। तो सेल्स रिटर्न तो सेल में से माइनस हो जाएगा, मैंने कहा था पहले, ऐसा नहीं है बस यहाँ पे सेल्स दिखा है, फॉर्मूला में सेल्स है, तुमको सेल दिख जाए तो तुम उठा के रख दो, अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस करना है। अब सब में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो मुझे बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो तो सबसे पहले पहले हमारे माइंड में ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने की फॉर्मूला क्या आएगी, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल आनी ही चाहिए ये फॉर्मूला, वरना कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब सेल में से माइनस करना है कॉस्ट ऑफ सेल, और सब में तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को ढूंढने की फॉर्मूला दिमाग में आनी चाहिए। यस, तो पहले हम करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, ये फॉर्मूला लिख दी। अब वैल्यू पुट अप करें इसकी, और परचेज परचेज मतलब 12 लाख प्लस परचेज एक्सपेंस जो डायरेक्ट दिए हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक भी शायद प्लस करना है, मैंने प्लस करना भूल गया, लेकिन प्लस कहीं पे भी करो चलता है आगे पीछे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है 3,50,000। तो यस, इसका प्लस माइनस करें 12 लाख, मतलब बाकी बचेगा 11,50,000। बोलो ये मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम फाइंड करेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल कितनी लूंगा मैं, देखो 18 लाख रुपीस लूंगा, माइनस 2 लाख, सॉरी 11,50,000, तो 6,50,000 क्या मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से सेल्स रिटर्न मैंने माइनस कर दिया जो पहले बोला माइनस करना ही है। अब तुम्हारी फॉर्मूला रेडी है, ग्रॉस प्रॉफिट 6,50,000 अपॉन सेल्स वही 18 लाख इंटू 100, तो आप कैसे यूज करो, ये 36 पॉइंट बिना बोले परसेंटेज देना। आज की जितनी भी फॉर्मूला थी सब में इंटू 100 था, इंटू 100 जिस भी फॉर्मूला में आएगा उस पे परसेंटेज की साइन लगेगी।
बोलो मालूम पड़ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढना है तो जीपी अपॉन सेल इनटू 100। यस, फिर जो नहीं है उसकी फॉर्मूला दिमाग में आनी चाहिए। yes. तो पहले दो सम तुम कर लोगे फोर नंबर के, देखो तुम ही करोगे बिकॉज पहले दो में ढूंढना तो वही है। yes. पहले नंबर सम में तो आपको जीपी और सेल दोनों दिए ही हुए हैं, मतलब खाली वैल्यू पुट अप कर दी। और दूसरे में भी देखो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है, खाली सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा इजीली। अब आते हैं सम नंबर फाइव पे। सम नंबर फाइव, हमें फाइंड आउट करना है सम में ऑपरेटिंग रेशियो। फाइव नंबर सम है ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल्स टू पहले फॉर्मूला होनी चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ सेल अपॉन नेट सेल या सेल इनटू 100। लिख दी फॉर्मूला। अब ढूंढो पहले क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंस सब में दिए हैं, शांति से ढूंढो। आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेप्रिशन है, एडमिन एक्सपेंस है, सेल्स है, टैक्स का रेट है, इनकम दी है, सेल्स एक्सपेंस दिए हैं, कॉस्ट ऑफ सेल दिए हैं, फिनेंशियल एक्सपेंस दिए हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्लियर तो दिया नहीं है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए, मैंने आपको आज ही सिखाई फॉर्मूला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम क्या क्या प्लस करते हैं, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लस सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने हैं, 75,000 प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। कभी देखो इस समय सिर्फ सेल्स एक्सपेंस दिए हैं, कभी कभी सेल्स एक्सपेंस अलग देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अलग देते हैं, तो दोनों प्लस कर देंगे। और प्लस डेप्रिसिएशन 48,000। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या कॉस्ट ऑफ सेल सब में है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फर्क है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम था जो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम हो तो उसमें प्लस करने पड़ेंगे परचेज एक्सपेंस। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल एक ही हुआ, और अपॉन में सेल्स वो भी अवेलेबल है, मतलब सब कुछ अवेलेबल है। तो बाकी कितनी सारी चीजें दी हैं कोई काम की नहीं है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,75,000 प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब बुक में कितना है 3,25,000 और सेल्स 6,00,000। क्या सेल्स इतना है सब में, देख लो पहले, नहीं है, इन 200। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 3,4,5,00,000 अपॉन 6,00,000 इन 200। आंसर 83.33। बढ़ गया ऑपरेटिंग रेशियो। अब मैं आपको सिखा दूं, अगर इस सम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी पूछा होता तो हमको फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए, 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब 100 माइनस 83.33%। ये हम करते, मालूम पड़ गया सबको बेटा, क्लियर, ओके, कंफर्म। अब बेटा आप सिक्स नंबर सम पहले खुद करोगे, समझ लो भले सिक्स नंबर में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ढूंढना वही है ये दोनों ही, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। पहले सब पूरा सम शांति से देख लो, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे ढूंढोगे देख लो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिख रहे हैं आपको 1,75,000, सेल्स एक्सपेंस दिख रहे हैं 75,000 और कुछ डेप्रिसिएशन दिख रहा है आपको, फैक्ट्री एक्सपेंस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो आप इसको एज ए डेप्रिसिएशन ले लोगे, बोलो मालूम पड़ गया। ये खत्म। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल दिया हुआ है नहीं दिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम दिया है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम प्लस परचेज एक्सपेंस। तो
परचेज एक्सपेंस कौन से होते हैं? वेजेस, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि परचेज एक्सपेंस मतलब वो जो ट्रेडिंग में आते हैं, तो वेजेस आता है बेटा, और कोई आता है इसमें से नहीं, मालूम पड़ गया, क्लियर। और अपॉन में सेल्स है, तो सेल्स तो आपको दिया ही हुआ है, और सेल्स रिटर्न है कि नहीं हो देख लो, नहीं है, तो बस सेल वही ले लोगे, मालूम पड़ गया। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी ढूंढोगे और साथ साथ में कॉस्ट ऑफ सेल भी ढूंढोगे, मालूम पड़ गया। इस तरह से हमको सम करना। अब मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके स्कूल में शायद सम करवाएंगे, तो मैं यूं फॉरन लिखवाता हूं और यूं प्लस करवाता हूं, जिसमें आपको हैबिट पड़ जाएगी, पर फिर स्कूल में कुछ अलग करवाएंगे, मतलब वो लिखवाएंगे ऐसे, एडमिन एक्सपेंस उसकी अमाउंट, सेल्स एक्सपेंस उसकी अमाउंट, डेप्रिशन इसको मन, फिर यूं प्लस कराएंगे, मतलब वर्टिकली करवाएंगे। कोई चिंता मत करना, वो बोलेंगे बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलते हैं, पेपर में चेकिंग में हम भी जाते हैं, बेटा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है बेटा, नोट डाउन।